नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। ये पार्ट 2 रहेगा परिवहन एवं संचार का। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के रेल मार्गों का अध्ययन करेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ पे किस प्रकार के रेल मार्ग उपलब्ध हैं और उनकी दूरियाँ किस प्रकार से विभाजित की गई हैं। तो इसमें हमारा पहला रेल मार्ग है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीपों से होते हुए इसके दूसरे छोर को जोड़ता है, यानी जो पार महाद्वीपीय मार्ग होता है एक मार्ग से लेकर दूसरे मार्ग तक, यानी एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारकों से भिन्न भिन्न दशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पार साइबेरियन रेल मार्ग, यह रूस का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक है। दूसरा पॉइंट है, यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा 9322 किलोमीटर रेल मार्ग है। तीसरा पॉइंट है, पार साइबेरियन रेल मार्ग विद्युतीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, यानी पार साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो विद्युत के द्वारा चलता है। चौथा पॉइंट है, यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओबे और यानसी नदी से होकर जाता है। पांचवा पॉइंट रहेगा इसमें हमारा, चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र एवं इरकुटस्क एक फार केंद्र है। छठा पॉइंट रहेगा, पार साइबेरियन रेल मार्ग एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि एशियाई प्रदेशों को किससे जोड़ती है, यूरोपीय बाजारों से। तीसरा रेल मार्ग है पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के आर्थिक विकास में योगदान देता है, यानी उत्तरी अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यही दूसरा पॉइंट है, यह कनाडा का रेल मार्ग है जो 7050 किलोमीटर का है। कनाडा का रेल मार्ग है और 7050 किलोमीटर का है ये। और तीसरा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि पूर्व में कहाँ से, ये पूर्व में हेलिफैक्स से आरंभ होता है, और मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग तथा कैलगरी से होकर गुजरता है। चौथा पॉइंट रहेगा, इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्य के संघ में शामिल करने के लिए बनाया गया था। पांचवा पॉइंट रहेगा, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। ये जो है क्या है, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है, जिसमें गेहूं, मांस इस मार्ग के द्वारा का निर्यात किया जाता है, यानी इस मार्ग के द्वारा गेहूं और मांस का निर्यात महत्वपूर्ण है। छठा पॉइंट रहेगा, इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहते हैं। इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस पहला पॉइंट इसमें रहेगा, यह रेल लाइन पेरिस से सेटबर्ग, म्यूनिक, वियना, वुडाबोस्टर और बेलग्रे से गुजरती है, यानी इन सब जगहों से ये होकर गुजरती है। दूसरा पॉइंट है, यह एक्सप्रेस द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में सिर्फ 96 घंटे रह गया है। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस मार्ग के द्वारा किन चीजों का निर्यात होता है। तो इस रेल मार्ग के द्वारा पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीन का निर्यात प्रमुख है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जल परिवहन। जल परिवहन, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा, जल परिवहन के अनेक महत्वपूर्ण लाभ हैं, यानी जल परिवहन के अपने आप में ही अनेक लाभ हैं, यानी कि ये अपने आप में ही इम्पोर्टेंस रखता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
दूसरा पॉइंट है जल मार्गों की निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जल मार्गों में क्या होती है, निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सड़क एवं रेल मार्ग के लिए हमें जगह की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होती है, लेकिन जल मार्गों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसमें विभिन्न आकार के जहाज परिवहन कर सकते हैं। तो यानी इसमें किसी हमें साइज नहीं देखना है कि जहाज छोटा है या बड़ा है, कोई भी साइज हो उतार दो महासागर में, वो अपनी यात्रा आसानी से कर लेगी, परिवहन आसानी से कर लेगी। चौथा पॉइंट रहेगा हमारा जल परिवहन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, यानी बाकी परिवहन की अपेक्षा जो जल परिवहन होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। वहीं हमारा पांचवा पॉइंट रहेगा जल परिवहन की ऊर्जा लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में ही देखा कि जल परिवहन जो अपने आप में ही लाभ है, तो ये लाभ बता रहे हैं कि जल परिवहन की ऊर्जा की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है, यानी इसमें लागत भी बहुत ज्यादा कम होती है, ऊर्जा की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। वहीं हमारा छठा पॉइंट रहेगा जल परिवहन को समुद्री मार्गों एवं आंतरिक मार्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि समुद्री मार्गों और आंतरिक मार्गों में जल मार्गों पर वर्गीकृत किया गया है। सातवां पॉइंट रहेगा जल मार्ग का आर्थिक महत्व भी होता है, इसमें विकासशील देशों को फायदा हुआ है, यानी कि इसके ना आर्थिक विकास भी बहुत है, जिससे क्या हुआ है विकासशील देशों को बहुत ज्यादा फायदा। अगला टॉपिक है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिश्र में उत्तर में पोस्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोस्ट स्वेज के बीच भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा यूरोप को हिंद महासागर में एक नया प्रवेश मार्ग प्रदान करना, यानी स्वेज नहर के द्वारा हिंद महासागर को एक नया मार्ग प्राप्त हुआ, कहाँ में, यूरोप में। तीसरा पॉइंट रहेगा स्वेज नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है, स्वेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है तथा 11 से 15 मीटर गहरी है, यानी कि 11 से 15 मीटर इसकी गहराई है। चौथा पॉइंट रहेगा स्वेज नहर में लगभग 1000 जलयान रोज आवागमन करते हैं, यानी कि स्वेज नहर में 100 जलयान डेली आवागमन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट रहेगा इन जलयानों को इसको पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, यानी कि जो जलयान होते हैं स्वेज नहर को पार करने में केवल 10 से 12 घंटे का समय लगता है। छठा पॉइंट रहेगा नील नदी में एक नौगम्य ताजा पानी का नहर भी स्वेज नहर से इस्तेमालिया में लिया जाता है, यानी कि नील नदी से क्या होता है, ताजा पानी आता है जिसको इस्तेमाल में लिया जाता है।